विश्वात्मा विधिदर्शयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् समधिविभवान् ज्योतिषाश्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरभिशनैष्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगणगण पातु वशौ नास्तु रीयः। अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के आगम प्रकरण पर विचार करते हैं। अभी हम लोग सातवां मंत्र है। सातवां मंत्र क्या है? न अंत प्रज्ञ, न भीष प्रज्ञ, न उभयत प्रज्ञ, न प्रज्ञ न घन, न प्रज्ञ न अप्रज्ञ। तो अवश्य ठीक है, न प्रज्ञ न अप्रज्ञ। इस प्रकार से जहाँ भी आपको संबंधित अंत प्रज्ञा दिखाई दे रहा है उसका श्रुति स्वयं अपने आप निषेध करती है। यदि सब निश्चित करेगा तो समझ में कैसे आएगा? तब अपने आप बोलते हैं अदृष्टम अव्यवहार्य, जिसको देखा नहीं जा सकता, इंद्रिय गम्य वस्तु नहीं है, इसलिए वो व्यवहार के योग्य नहीं है। इंद्रिय गम्य नहीं है इसलिए व्यवहार के योग्य नहीं है, और वो कार्य इंद्रिय का मतलब कर्म इंद्रियों का भी विषय नहीं है, इसलिए अलक्षणम उसका भी अनुमान के तरह किसी लक्षण के तरह पे नहीं कहा जा सकता। वो क्यों? आपने तो वहाँ भी तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण अथवा अनुमान तो करते हैं, वो तो केवल उपाधि के माध्यम से हम कहते हैं उसको, बाकी पारमार्थिक उसमें कुछ नहीं है। इस प्रकार के जो है, क्योंकि वो अचिंत्य वस्तु है इसीलिए उसको उपदेश भी नहीं किया जाता है। तब ऐसा वस्तु है नहीं ऐसा शंका होने पर क्या कहते हैं कि एक आत्म प्रत्यय, केवल मात्र आत्म संबंधी जो निष्ठा वही उसका सार है, उस तत्व बोध में एकमात्र उपाय है। फल तो उस फल क्या होगा? जब आत्मनिष्ठा हो रहा है कि नहीं रहा समझ में कैसे आएगा? प्रपंच उपशमम, जो विस्तार हमने फैला रखा, पची विस्तार धातु से मानते हैं प्रपंच, जिसने हमने मनोराज्य के विस्तार बना रखा वो शांत हो जाता है, शांत अब इंद्रिय संयम में आ जाता है। और यही सबसे कल्याणकारी पश्चिमम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते आत्मा सभी की, स आत्मा सभी की चतुर्थ, चतुर्थ मतलब ये चौथा नहीं है, वो तीनों में अनुसूत अथवा जो उनसे विलक्षण, ये जो तत्व है यही आत्मा है, यही एकमात्र जानने योग्य वस्तु संसार। इस मंत्र के ऊपर इसका तो भाग हो गया, इसके ऊपर जो कारिका का इसमें छुपा हुआ क्या रहस्य है उसको बोलते हुए उसमें पहले बोले थे कि हमारे आत्यंतिक दुख निवृत्ति के लिए एकमात्र मास्टर कौन है, शासक कौन है, मतलब निवृत्ति सर्वदुखाना ईशान प्रभु अभ्यय, समस्त दुख की निवृत्ति के लिए ये तुरीय पक्ष द्वारा जिसको कहा जा रहा है वो उसके लिए ईशान है, मतलब वो शासक है, मालिक है। पर तुरंत उसका अर्थ कहते हैं मालिक मतलब अपने से भिन्न रूप किसी इसको शासन नहीं करता, प्रभु इस प्रकार प्रेम से इससे कोई काम हम कराते हैं अथवा अपने आप ही करता है, इस प्रकार प्रभुत्व है किसमें, तुरीय में परमात्मा में, और वो वैरहित है। अद्वैत सर्वभावना मतलब जिस भगवद गीता में बोलता अभिभक्तम विभक्तेशु, सर्वभावना क्या हो गया विभक्त, और अद्वैत मतलब अभिभक्त। पेज जो है 54 देवस्तुर्य विभूस्मित, ये स्वयं प्रकाश है, ये जो है अन्न तीन से विलक्षण है, और ये व्यापक है। व्यापक मतलब क्या बोला था मैं वेदांत में, विभु शब्द का दो प्रकार से अर्थ कहते हैं, विविध आकारेण भवति इति विभु, और क्या बोलता है विविध रूप अस्माद् भवति, ठीक है ना, दो प्रकार से विविध विविधम अस्माद् भवति, विविध नाम रूप इसी से होता है, एक माया उपाधि के साथ लेकर के और एक विवर्तवाद को परिणामवाद को लेकर के, विवर्तवाद को लेकर के दोनों यहाँ पर प्रयोग होता है। अभिप्राय तो यही है कि कार्य कभी भी अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता, इस अभिप्राय से देखाते हैं ये देव ये स्वयं प्रकाश है, ये विलक्षण है तीन से, और ये व्यापक है, इस प्रकार से स्मरण किया जाता है। स्मृत शब्द से कहने से क्या बोला, मतलब विद्वत पुरुष इसको अनुभव करके ऐसे स्मरण करते हैं इस तत्व, उसको ऐसा अनुभव करते हैं।
अब जो है आप दूरियों को समझाने के लिए विलक्षण जो पुस्तक उसमें क्या विशेषता है क्या सामान्य है उसको दिखा रहे हैं। दूरियों को समझाने के लिए इसका पहले जो तीन पाद के बारे में कथन किया उसमें सामान्य क्या है विशेष क्या है ये दिखाने के लिए ग्यारहवां जो कारिका है वो इसके ऊपर विचार शुरू हो गया था। कहना इस श्लोक को एक साथ पढ़ेंगे, कौन सा है ग्यारह नंबर श्लोक को, कार्य कारण बद्धौता विश्यते विश्यतैजसौ प्राज्ञा कारण बद्धस्तु द्वैतौ सूर्येण सिद्ध्यतः विश्यतौ विश्यतौ यशौ कार्य कारण बद्धौ इष्यते। ये जो दो है विश्व और तेजस ये कार्य से भी बंधा हुआ कारण से भी बंधा हुआ। तो कार्य क्या बोला था, कार्य फल भाव और कारण हो गया बीज भाव, ठीक है ना। मतलब कारण हो गया आपका अज्ञान और अज्ञान के फल स्वरूप क्या हो गया था जो हम जागृत उसका जो उसमें से निकल के आकर के जो विषय भोग रूप में हमको दिखाई मतलब उसका कार्य हुआ बीज भाव मतलब अज्ञान और उसका कार्य हो गया फल मतलब हमको जागृत वस्तु भोग करते रहते हैं ये उसका फल। तो इस प्रकार इन दोनों के द्वारा बंधा हुआ है कौन विश्व और तेजस मतलब व्यष्टि अभिमानी स्थूल अभिमानी चेतन और सूक्ष्म स्थूल अभिमानी चेतन सॉरी सूक्ष्म अभिमानी चेतन व्यष्टि दोनों जो है विश्व तेजस व्यष्टि में बोला जा रहा है। या अनुभव कर सकते हैं कि व्यष्टि स्थूल और सूक्ष्म अभिमानी चेतन जो है वो क्या करते हैं दोनों के द्वारा बंधा हुआ है। उन दोनों कार्य और कारण मतलब बीज अवस्था और उसका फल अवस्था दोनों से बंधा हुआ है। और प्राज्ञ क्या है ये देखिए सामान्यता है, प्राज्ञ में केवल कारणबद्धता है मतलब क्या तीनों में सामान्य क्या हो गया कारणबद्धता और बाकी दो में हो गया कारण और फल दोनों और इसमें केवल कारण इसमें फल भाव। तो विसामान्य भी बोल दिया कारणबद्धता और विशेष बोल दिया कार्यबद्धता और ये दोनों ही तुरियों में नहीं है, दौतौ तुरियेण सिद्धतः ये दोनों ही तुरियों में नहीं है, ठीक है ना। इससे इसके तुरियों को इससे बोध हो जाता है। तो देखिए इसके ऊपर का हम लोगों ने इस भाष्य को पढ़ लिए थे, क्रियते इति फलिभाव कारणम करोति इति बीज भाव, ठीक है ना। कल मैं समझा था देखिए तंतु पट के लिए कारण बनता है, तंतु और पट में कार्य कारण भाव है। परंतु आपको बाजार में जाकर के यदि आप पट खरीदना चाहेंगे तो आप बोलेंगे तो सभी नहीं है, आप धागा ले जाओ आप नहीं ले आएंगे, अथवा धागा के जगह पर पट दे आप नहीं ले आएंगे, क्योंकि दोनों को अलग करके देखा जा सकता है व्यवहार होता है। परंतु जब आप बाजार से आम खरीदने जाएंगे तो आम अथवा लीची खरीदने जाएंगे तो उसका बीज उसका साथ में आएगा कि नहीं आएगा, पैसा दे करके खरीदना पड़ेगा परंतु बाद में फेंकना भी है और न फेंकना। बीज हो गया आपका अज्ञान अज्ञानात्मक बीज और उसका फलीभूत भाव क्या है ऊपर जो फल छिलका ये सब दिखाई पड़ते हैं टैनी पत्ता ये सब उसका बीज का एक बीज से सभी कुछ आया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि ये कार्य भाव है, कार्य क्रियते इति फली भाव जो फल भाव है उसको यहाँ पे कार्य शब्द के तरह कहा गया और कारण मतलब बीज भाव जिस कारण ये फल उत्पन्न होता है जिसके कारण ये फल उत्पन्न होता है, ठीक है। इस पन्ने में टीका भी हमने पढ़ लिया था ना कि पेज 55 में विश्व तेजसयोर उभय बद्धत्म सामान्य, देखिए सामान्य विशेष के माध्यम से आपको तुरियों का निरूपण करके दिखाएंगे ऐसा प्रतिज्ञा किया। तो विश्व और तेजस उभय बद्धत्व मतलब कार्यबद्धत्व कारणबद्धत्व सामान्य है, प्राज्ञस्य कारणमत्व बद्धत्व में विशेष प्राज्ञ में क्या है केवल मात्र कारण ही है। तथा इदम निरूपण इस प्रकार निरूपण करने से क्या लाभ होगा कुत्र उपयोगिता कहाँ पर इसका उपयोगिता है इसका उपयोगिता तत्र आह तुरीय जाथात्म अवधारणार्थम है ना, जिससे विलक्षण जो तुरीय अवस्था है उसको यथार्थता को समझाने के लिए मतलब ये उसमें नहीं है, ठीक है। इस पन्ने में भाषण प्राज्ञस्य कारण मात्र बद्धत्वं साधयति, प्राज्ञ में केवल मात्र कारण बद्धत्व है, प्राज्ञ में केवल मात्र कारण बद्धत्व है मतलब बीज है उसको लेकर के इस पन्ने में आना पड़ेगा। परंतु यहाँ पे आपको भाष्य में देखिए तत्व अग्रहण फर्स्ट लाइन राइट हैंड साइड तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम, तत्व को अग्रहण हो गया आपका बीज और अन्यथा हो गया फल, तत्व का अग्रहण हो गया बीज और अन्यथा ग्रहण हो गया फल, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं अन्यथा ग्रहण इसे बोलते हैं बीज फलाभाभ्याम बीज फल भावाभ्याम बीज और फल की जो भाव अवस्था उसको तो यथक तो वो दोनों जिस प्रकार यहाँ पे कहा गया विश्व तेजसो उन दोनों के तरह क्या होते हैं विश्व तेजस बद्ध मतलब संगृहित इष्यत उसमें संपक रूप से उसको घेर लिया ऐसा अभिष्ट है। परंतु
प्राग्ञस्तु बीज भावेन एव बद्ध। और प्राज्ञ तो क्या होता है, मतलब अज्ञान उपहित चेतन, व्यष्टि अज्ञान उपहित चेतन, उसको प्राज्ञ शब्द के तरह का है, वो सभी भोगने के लिए बीज अवस्था है। फंडामेंटल कंसेप्ट पहले भी मैंने बताया, वेदांत में एक ब्रह्म सब कुछ के लिए हेतु है, एक ही ब्रह्म हमारे पास, उसका कुछ नहीं है, सब कुछ के लिए वही हेतु है, बंधन के हेतु भी वही और मुक्ति के हेतु भी वही। क्यों? अज्ञात ब्रह्म बंधन के हेतु, ज्ञात ब्रह्म मुक्ति के हेतु, और वही सारा वही बीज अवस्था है, और वो बीज अवस्था सारा संसार को फैलाता रहता है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि प्राज्ञस्तु बीज भावे नैव बद्ध। अब जो हमने भर कर क्या आया था मतलब टीका में कि बोले ये प्रतीक है, प्राज्ञस्य कारण मात्र बद्धत्वं साधयति, प्राज्ञ में केवल मात्र कारणबद्धता है, उसको सिद्ध करके दिखाते हैं। ये प्रतीक कहाँ पे होगा, ये अभी प्रतीकार है, तत्व अप्रतिबोध मात्रम एव हि बीजम प्राज्ञस्य निमित्त, मिला ना ये प्रतीक है यहाँ पे, कि तत्व का अप्रतिबोध वास्तविक वहाँ पे क्या, हर जगह पे यही देखना कि क्या घटना हुआ वो हम ठीक से नहीं समझने के कारण ही वहाँ पे दूसरा कुछ हम कल्पना कर लेते हैं। किसी भी जगह पे हमारे किसी भी अनंत के पीछे मुख्य कारण क्या है, हम यथार्थ रूप से उसको समझा नहीं। बाद में जब पता लगता है तो हम समझ गए, कह रहे हमारे ही गलती था, हमने ठीक से समझने का कोशिश नहीं की। इसलिए बोलते हैं कि तत्व अप्रतिबोध तत्व मतलब उसमें रहने वाले व्यवहारिक तत्व में, उस तत्व में रहने वाले जो धर्म अथवा गुण जो घटना वहाँ पे हो तत्पथ के तरह, ये मैं वो तत्व मसीह तत्शुद्ध चेतन मत लेना, हम व्यवहारिक जगत में देखो तत्व मतलब वो, उसमें कोई घटना हुआ उस घटना में रहता है जो तथा भाव, वो नहीं जान करके हम दूसरे को सोच लिया, वो नहीं जाना वो हो गया हेतु, दूसरा सोच लिया ये हो गया उसका फल, है ना। हर जगह पर ये चीज लागू होती है, इसलिए हमें बोलते हैं तत्व अप्रतिबंध मात्र में वही बीज, वही जो है बीज है, और वही प्राज्ञत्व में निमित्त बनता है, बीज ही प्राज्ञत्व के निमित्त होते हैं। अब जो फिर टीका में देखिए, त्रयाणाम अवान्तर विशेष स्थिति प्रकृति तुरीय किम आयतम इति भाषण का हटिका, ठीक है ना। इन तीन में त्रयाणाम क्या क्या हो गया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति व्यष्टि अभिमानी चेतन, चेतन तो वही है मतलब अभिमान करके अपने को जो है इस प्रकार मानता है, उसमें अवान्तर विशेष स्थिति, उसमें जो गौण भिन्नता है, गौण भिन्नता है उसको यहाँ पे दिखाने का बात दिखाया आपने, ठीक है। परंतु आपका प्रतिज्ञा है कि तुरीय का बोध कराएंगे, उसमें क्या लाभ हुआ, प्रकृति तुरीय की माया तम, जिसको लेकर के विचार कर रहे थे, जो तुरीय क्योंकि यहाँ पे सातवां मंत्र है स आत्मा सविज्ञेय, ये बोला यहाँ पे प्रतिपद्य विषय वही है, उसमें क्या लाभ हुआ, उसमें क्या लाभ, आपको प्रत्येक शब्द को फिर समझना है कि यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं प्रकृति तुरीय, प्रकृति मतलब मूल मंत्र में प्रतिज्ञा किया कि प्रपंच विषम शांतम शिवम अद्वैतम स्व आत्मा स्वाभिज्ञ, ये जो आपने प्रतिज्ञा किया उसमें क्या लाभ होता है नुकसान हुआ, उसके ऊपर बोलते हैं आह आह ततः। अब जो है इसके ऊपर ततः मतलब देखिए, ततः एक नंबर टिप्पणी, कार्य कारण असंशिष्टत्वात्, ये पंचमी है, तस्वीर पर तथा मतलब तस्मा, कार्य कारण दोनों के साथ कोई संबंध नहीं होने के कारण, ठीक है, एक वहाँ पे तुरीय संसर्ग योग्य सजातीय अभावाद इति वार्थ वाह बोल रहे होते दो, यानी कि हो गया कार्य कारण असंशिष्टत्वाद, ये हो गया एक, किसका अर्थ हो गया, ये कार्य कारण असंशिष्ट किसका अर्थ लिख रहे टिप्पणी का, हम यहाँ पे टिप्पणी किसके ऊपर है, अपने मन से कुछ मत ले लेना, जो पंक्ति को असहारे चलिए, ये तत्व पद है, तत्व मतलब क्या हो जाएगा, तस्मात, तस्मात मतलब क्या हो गया, कार्य कारण असंशिष्टत्वात्, कार्य और कारण के साथ संपर्क नहीं रखने के कारण कौन, तुरीय, इसलिए मैं बोलते हैं कार्य अथवा तुरीय विकल्प पर वार्थ में, अथवा तुरीय संसर्ग योग्य सजातीय अभवत, मतलब तुरीयों में, क्योंकि विजातियों के साथ तो संसर्ग होता ही नहीं है, विजातीय के साथ संसर्ग नहीं होता है, परंतु सजातीय साथ संसर्ग हो सकता है, परंतु आत्मा सादृश्य को सजातीय वस्तु भी नहीं है, तस्मात, ये तस्मात का अर्थ तत्व का अर्थ होगा तस्मात, मतलब ये मतलब उसका सजातीय, क्योंकि हम तीन प्रकार के भेद मानते हैं ना, सजातीय विजातीय सगत भेद, इन्हें आत्मा में नहीं है, कोई सजातीय वस्तु भी नहीं है, कोई विजातीय वस्तु और वो तो है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए उसका किसी के साथ संसर्ग होना समान नहीं है, संभव नहीं है। इस प्रकार आप देखना लोग कोई अशुद्धि मिलाते हैं, कोई प्योर चीज है उसको आप कुछ आप अशुद्ध, परंतु अशुद्धि करने पर भी आप तेल के साथ बजरी नहीं मिला सकते,
आप सरसों के तेल के साथ आप कुछ दूसरा तेल तो मस्त तेल जैसे मस्त मिलाना पड़ेगा। आपको सरसों का कीमत बढ़ गया, हो सकता है सोयाबीन थोड़ा सस्ता है, आप क्या करेंगे थोड़ा सा सरसों के साथ सोयाबीन मतलब तेल जैसे लोग भी मिलाना पड़ेगा। यहाँ कहेंगे कुछ मिलावट होता है, वहाँ पे घी में मिलाएंगे तो आपको चर्बी वस्तु मिलाना पड़ेगा, फैट टाइप का, तो आपको तेल जैसे मिलाना पड़ता है। इस सजा इसलिए पट्ट को सजाते को ये किया, अगर आत्मा को किसी के साथ मिलना होगा तो कोई सजातीय वस्तु चाहिए, संसर्ग उसका सजाती हो, संसर्ग है कोई वस्तु है नहीं ऐसा, इसलिए संसर्ग नहीं हो सकता। कार्य एक दो अर्थ किया इसलिए टिप्पणी का, कार्य कारण असंशिष्टत्व मतलब फल भाव बीज भाव दोनों ही नहीं है, अथवा उसका कोई सजातीय वस्तु ही नहीं है जिसके साथ संबंध करे, ये अभिप्राय। तत् दो तो हाँ तो वो दोनों कौन दोनों, बीज फल भाव, बीज हो गया आपका बीज कारण मतलब क्या है, ना ना उसका अभिप्राय अर्थ क्या है, बीज भाव मतलब क्या है, अग्रहण अग्रहण, और फल क्या है अन्यथा ग्रहण, ये चीज ध्यान रखना है। तो बीज हो गया बीज फल भावो अग्रहण अन्यथे, देखिए तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण है, अपने आप लिख दिए भगवान भाषा करिए, अपने आप दिमाग माना चाहिए, तभी देखिए पंक्ति समझ में तुरंत आ जाता है लग जाएगा। इसलिए तव दौ दौ तौ बीज फल भावो तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण, एक हो गया आपका बीज हो गया अग्रहण और फल हो गया अन्यथा ग्रहण। वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ वेदांत ये है कि अग्रहण के कारण ही अन्यथा ग्रहण होता है, पूरा के पूरा संसार की अशांति के बीच यही हेतु, यही हेतु। तूर्य वो जो है तूर्य अवस्था में न सिद्ध, तो दोनों उसमें सिद्ध नहीं होता। वहां पे देखिए बीज फल भाव तत्व ग्रहण अग्रहण अन्यथा ग्रहण है तूर्य, तो ये तूर्यों का विशेषण होगा कि नहीं होगा, तत्व अग्रहण और अन्यथा ग्रहण है, यहाँ पे कौन सा विभक्ति वचन है, यहाँ ये द्वि वचन है, सूर्य सप्तमी है, ध्यान रखना है, ये द्वि देखने में लग रहा है कि दोनों क्यों न्यूटन जेंडर में दिया है ना, इसलिए द्वि वचन है, क्योंकि न सिद्धतः सिद्धति सिद्धतः इसलिए विद्येते न संभवतः, द्वि वचन क्रिया दिखाई देती है, सप्त वचन क्रिया इति अर्थ। ये तो समझ में आ गया आपको कि ये दोनों संभव ही नहीं है, है ना, उसमें नहीं है क्योंकि होना संभव नहीं है, उसमें सिद्ध नहीं होता, सिद्ध नहीं होता क्यों, क्योंकि वहाँ पे है नहीं, क्यों नहीं है क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। तीन किया ना वहाँ पे न सिद्ध तो उसका पहला अर्थ क्या, न विद्येते और क्यों नहीं विद्येते, क्योंकि होना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे तीन क्रियापद यहाँ पे न सिद्धत तो उदो तुरीय न सिद्धत इस श्लोक में आया हुआ है, तो उसका अर्थ कह दिया न विद्येते दोनों है नहीं, क्यों नहीं है क्योंकि वहाँ होना संभव नहीं है, ये अर्थ इसका विपरीत अर्थ। अब देखिए अंतिम में टीका की लाइन, तयो तस्मिन् अविद्यमानत्वम् तयमत्वम्, उन दोनों का वो कौन दोनों है, बीज फल भावयोः, बीज फल भावयोः तयो बीज फल भावयोः तस्मिन् तुर्ये, दोनों प्रोनाउन प्रयोग कर लिया ना, तयो तस्मिन् ये तत्शब्द का ही, तत्शब्द का हाँ षष्ठी द्विवचन और सप्तमी एक वचन, अपने दोनों का दोनों तत्व का अलग अलग अर्थ है, तयोर क्या अर्थ हो जाएगा बीज फल भाव यो हो, और तस्मिन क्या हो जाएगा तस्मिन तुर्ये, ठीक है ना, तस्मिन तुर्ये अविद्यमानत्वम अविद्यम, ठीक है वहां पे नकार दीप्त हो गया, इसमें विद्यमानता नहीं है, अविद्यमानत्वम ठीक है, वहां नकार नहीं है अविद्यमानत्वम है ना, दीप्त हो गया वहां, ची किम किम वाद्य मतलब चिदेकताने तयोर निरूपायित अशक्यता, जो एक जो एक चैतन्य घन एक रस है वहाँ पे जड़ का प्रवेश कहाँ से होगा, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं चिद एकताने चैतन्य की जो एक रूपत है उसमें तयोर तयोर मतलब वो जो अग्रण अन्यथा ग्रहण निरूपायित निरूपण करने में अशक्यता, वहाँ पे निरूपण करना संभव नहीं होने के कारण इति आवश्यक मन में रखते होते न संभवतः, वहाँ पे होना संभव नहीं है इति। इस प्रकार से आपका क्या हो गया कि विलक्षणता दिखा रहे, जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय चार अवस्था को लेकर के, जाग्रत स्वप्न में क्या है दोनों है कार्य और कारण दोनों, अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों है, और प्राग्रह में क्या है और सुषुप्ति अवस्था में केवल अन्यथा ग्रहण है, और तुरीय में क्या है अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों ही नहीं है तुरीय में, ठीक है ना, आपको दो जाग्रत और स्वप्न में अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों है, मतलब बीज भाव फल भाव दोनों है, और आपको प्राग्ञ में क्या है केवल मात्र बीज भाव है,
फल भाव नहीं है। तुरीय में क्या है, बीज भाव भी नहीं है, फल भाव भी नहीं है। तो लोग तुरीय अशुद्धता देखा। इस प्रकार से जो तुरीयों को निरूपण करने के लिए कहाँ पे क्या विशेष है, कहाँ पे क्या सामान्य है, वो दिखा करके ईश्वर भी तुरीयों में नहीं है, ये उस प्रकार उसका प्रतिपादन करने के। अब जो है सुषुप्ति की अनुभव और तुरीय के अनुभव को समझाने के लिए बोल रहे हैं, प्राग्ञस्य कारणबद्धत्वं साधयति। सुषुप्ति में क्या अनुभव होते हैं, इस अनुभव से विलक्षण अनुभव होगा आपका तुरीय का अनुभव। जागृत में सुषुप्ति अवस्था में जा सकते हैं, तो एक प्रतिज्ञा है भाष्यकार की, जागृत में सुषुप्ति अवस्था में जा सकते हैं तब आपको तुरीय का अनुभव होगा। तब तुरीय में क्या, जागृत अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में क्या अनुभव होता दिखा रहे हैं, और तुरीय से विलक्षण हो जाएगा तो उसका दिखा नहीं। इन दोनों का अपनी बोलने के लिए यहाँ पे ये श्लोक अग्रस्त हो रहे हैं। प्राज्ञस्य कारणबद्धत्वं साधयति। प्राज्ञ में क्या है, केवल मतलब कारणबद्धता है, केवल मतलब तत्व अग्रहण है, वहाँ पे अन्यथा ग्रहण नहीं है, प्राज्ञ अवस्था में कोई ग्रहण नहीं होता। तो उसको दिखाने के लिए देखिए श्लोक बोलते हैं, नात्मानं न परांश्चैव नात्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चन्वितं न सत्यं नापि चन्वितं प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ति प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ति तुरीयं तत् सर्वदिक्षदा तुरीयं तत् सर्वदिक्षदा नात्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चान्वितं प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ति तुरीयं तत् सर्वदिक्षदा। सुषुप्त अवस्था में आप अपने आप को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उठ करके क्या बोलता है, मैं कुछ भी नहीं जाना, आपने को भी नहीं जाना। इंद्र जब प्रजापति के पास गए थे, प्रजापति उनको अंतिम उपदेश दिया कि इस समय जो है न कंचनम स्वप्नम पश्यति न सुषुप्त न जागृत, ये सब बोलने के बाद इंद्र बोला, विचार करने लगा, लक्षण घटाने लगा। इस प्रकार आत्मज्ञान से क्या लाभ है, वो तो मैं अपने को भी नहीं जान पा रहा हूँ, दूसरे मेरा प्रजा है मैं उसको शासन करूंगा, इसको भी नहीं जान पा रहा, इस प्रकार आत्मज्ञान से क्या लाभ होगा, ये सुषुप्ति आत्मा जो आत्मा नहीं हो सकता, फिर मुक्त वापस है। यहाँ पे बोलते हैं न आत्मानम न उस सुषुप्ति अवस्था में वो जो है चेतन तत्व है, वो चेतन अपने को नहीं जानता, न परांश्चे दूसरे को भी नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, न किंचित अवे दिशम सुषुप्ति में उसकर के सभी व्यक्ति एक बात बोलते हैं, अपने को भी जो मैं करके इतना चिल्लाता हल्ला करता रहता है दिन भर, परंतु सुषुप्ति में टाइम टाइम फिर कुछ नहीं कर पाता, और यही मतफलीभूत अवस्था है, मतलब अपारमार्थी विषय से यही हमारा होना चाहिए स्थिति। तो ये न आत्मान न परांश्चय न अपने को और ना ही दूसरे को, परान में भी दंत नकार है वहाँ पे, द्वितीय वो वचन है आत्मान, द्वितीय एक वचन है और परान में द्वितीय बहुवचन है, और वहाँ पे नकार है, नकार क्या होता है, अनुस्वर विसर्ग दोनों में बदल जाते हैं, तो अनुस्वर बिंदी हो गया और चकार को देख करके विसर्ग खाली बस हो गया, उसने सुलगते वहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे है कि नश्च शब्द प्रशान, आपके पास गया था नश्च शब्द प्रशान, नकार के बाद यदि छप प्रत्यय का शब्द होता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो प्रशान शब्द को छोड़ करके वो आपका अनुसार विषय को दोनों में बदल जाता है, उसी को उसी प्रकरण में आए नश्चर प्रश्न। तो ये तो हो गया कि अपने को भी नहीं जाना, दुष्ट को भी नहीं जाना, अच्छा ठीक है भाई, अच्छा बुरा सच्चा क्या है झूठ क्या, ये तो जान लेगा क्या सच है क्या झूठा है, कुछ भी नहीं जान पाता न सत्यम न चंदितम, संसार में सत्य क्या वस्तु है वो भी नहीं समझ पाता, और जब मिथ्या क्या भी नहीं विवेक कर पाता। शिव्य अवस्था में इतना मतलब क्या बोलेंगे आपको, मतलब घृणा अवस्था इस समय कुछ भी नहीं, फिर भी उठ करके बोलते हैं मैं आनंद से सोया है, क्योंकि विषय के साथ संपर्क रहित हो जाने के कारण स्वरूप आनंद में ही होकर के सोते हैं, तो वो अनुभव उनको अच्छा लगता है, और अनुभव इसलिए स्मृति हो जाता है मैं आनंद से सोया था। प्राज्ञ किंचन संवित है, अन्य कैसे का प्राज्ञ न आत्मानम न परांशैव न सत्यम नापि चान्वितम किंचनम संवेत्ति, प्राज्ञ कर्ता हो गया और ये किंचन कुछ भी, देखिए ये किंचन मतलब एक्यूजेटिव सिंगुलर का चनो अपि अथवा चित किंचित किंचन और किमपि, ये सब द्वितीय एक वचन में ये किम लगा हुआ है और उसमें तो चनो चमे नहीं लगते, सारा ऊपर का द्वितीय एक वचन है, आत्मानम परान द्वितीय बहुवचन, सत्यम द्वितीय एक वचन, अन्वितम द्वितीय एक वचन
इसको प्राज्ञ नॉमिनेट सिंगुलर किंचन संवेत्ति कुछ भी नहीं जानते, ये हो गया प्राज्ञ सम। तुरीय में क्या है? तत्सर्वदृक् सदा, वो क्या है? सभी हर अवस्था में वो दृष्ट दृष्टित्व बना रहे। तुरीय है ना, तत् वो है सर्वदृक् सदा, वो हमेशा दृष्टाभाव में बना रहे। अब सर्वदृक् मतलब क्या हो जाएगा बताइए? तुरियों का जब ज्ञान होगा आपका तब सर्प रह जाएगा। रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, जो आपका रज्जु रूपी अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा तो सर्प जलधारा भूषित माला दंड दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो यहाँ भी सर्व मतलब ये जो भेद बुद्धि से आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग, वो नहीं दिखाई देगा, वो भेद बुद्धि मिट जाएगा। क्या होगा? ये सब है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इदम सर्वम जगम आत्मा, शास्त्रीय बोलते हैं, है यहाँ पे शुद्ध एक निर्विशेष पूर्ण व्यापक चेतन। रामी किस रूप में दिखाई दे रहा है? अलग अलग नाम रूप में दिखाई पड़ रहा है, नाम रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब तुरीय इसको अलग अलग करके नहीं जानेगा, क्या जानेगा? दृक्, भेद दृष्टि निकल जाएगी, दृष्टि एक शुद्ध चेतन पूर्ण मात्र व्यापक। तूर्य तत्सदे की भाष्य का कितना सुंदर समझाएंगे इसके। ये जो हम लोग को सोचते हैं ना आत्मज्ञान, मतलब हम सर्वज्ञ बन जाएंगे, मतलब हर चीज़ को हम जान लेंगे, कहाँ क्या हो रहा सब कुछ समझा के, ये अभिप्राय नहीं है। इसमें कुछ सत्यत्व तो बुद्धि नहीं रहता है, बस केवल अपने स्वरूप को जान, अधिष्ठान तत्व को जानने से पूरा चीज़ समझ में आ जाता है। सदा सबका प्रकाशक ही है, सर्वदिक मतलब दृष्टा, मतलब सबका प्रकाशक बन के रह जाता है। सर्वज्ञ मतलब सबको विषय रूप में जान लिया, ऐसा रूप नहीं है वो सर्व। बोलेंगे देखिए वो क्या होता है, वो सर्व भी है और दृग भी है, दृष्टा भी है। वो अपने आप में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, मैं ही सभी नाम रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूँ, ये दृष्टि खुल जाती है। सर्वदृक् क्या है? सर्वदृक् है ना, सारा सर्वस्व असो दृक्ष अर्थ करेंगे, सर्वस्व असो दृक्ष, जो भी कुछ अलग अलग दिखाई पड़ते ये यही है, ये दृक् मतलब इसको समझ लिया, ये इसकी दृष्टि खुल गई, ये सर्वाधिक तुरीय। ये जागृत में बैठ करके जैसे आप धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे, ये सर्वदृष्टि सर्वाधिक नहीं है। तो देखिए तो तुरीय तत् सर्वाधिक सदा, अच्छी तरह से इसको समझ रहे इस पंक्ति को। अब देखिए टीकाकार क्या बोलते हैं, टीका कि प्राज्ञ से कारणबद्धत्म साधयति, प्राज्ञ में केवल मात्र कारणबद्धता उसको सिद्ध करके दिखाए। क्या दिखा रहे? न आत्मानम न परंशैव न सत्यम न पिचामृतम प्राज्ञ किंचन संवेत्ति, मतलब क्या हो गया? कारणबद्धत्व है, कारणबद्धत्व क्या है? अग्रहण है, उसी का ग्रहण नहीं होता। कारणबद्धत्व मतलब क्या हो गया? अग्रहण हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे बोलते हैं तुरीयस्य कार्य कारणाभ्याम असंस्पृष्टत्व स्पष्ट है, मतलब तुरीय में क्या है? ये कार्य कारण दोनों भाग वहाँ पे नहीं है, मतलब बीज भाग फल भाग, मतलब अकरण अन्यथा कारण दोनों ही नहीं है। कार्य कारण मतलब बीज कार्य और कारण, फल भाग बीज भाग, फल भाग बीज मतलब अन्यथा कारण अकरण, ये दोनों ही तुरियों में नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? तुरीयस्य कार्य कारणाभ्याम असंस्पृष्टत्व स्पष्ट है, स्पष्ट कर तुरीयम तत् सर्वदृक् सदा। अब भाष्य में आ जाइए, श्लोक व्यावर्तम आश, इस श्लोक के द्वारा दो शंका को निराकरण किया गया है। इस श्लोक के द्वारा मास्टर को कारिकाकार दो शंका को निराकरण करते हैं। वो दो शंका क्या है वो भगवान भाष्यकार दिखा रहे हैं, वो दो शंका क्या है वो भाष्यकार दिखा रहे हैं। इसलिए श्लोक व्यावर्त्य, श्लोक के द्वारा निराकरण करने योग्य, व्यावर्त्य मतलब निराकरण करने योग्य आशंका, आशंका को मतलब यहाँ पे आशंका मतलब आशंके दो आशंका बोलेंगे यहाँ पे, वो उसको यहाँ पे बोल रहे हैं, पहले उठा रहे हैं, ठीक है। अब भाष्य में आ जाइए, कथम पूर्ण कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य, ठीक है। एक एक प्रश्न, एक एक मैं बोला ना दो शंका के निराकरण कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला शंका क्या है? प्राज्ञ में कारणबद्धत्व क्यों है, प्राज्ञ में कारणबद्धत्व क्यों है? क्योंकि तुम्हारा अनुभव, मैं पहले बोला दोनों का अनुभव दिखा रहे हैं यहाँ, तुम्हारा अनुभव है कारणबद्धता क्यों है, तुम्हारा अनुभव है। इसलिए आप बोलते हैं कि कथम पुनर् कारणबद्धतम प्राज्ञस्य, यह हो गया पहला शंका, कमा कर देना होता है। और सेकंड शंका क्या होता है? तुरीय वा तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्षणों बंध न सिद्धतो, तुरियों में जो है अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों नहीं है, ये सिद्ध नहीं होते, कैसे बोल रहे हैं आप, ये कैसे बोल रहे हैं? दो शंका के निराकरण करेंगे यहाँ पे।
भाष्यकार बोल रहे हैं कि ये शंका, क्योंकि कालिका क्या है, जो मूल में नहीं कहा उसका कुछ विशेष चीज को कालिका खोलते हैं। तो कालिका का यहाँ पे क्या खोलना चाहते हैं कि प्राज्ञ में आपका तत्व का अबोध है और तुरियो में तत्व का अबोध है, अन्य सबोध दोनों ही नहीं है। ये कैसे आपने सिद्ध कर दिया, ये कैसे बोलता अनुभव से, इसलिए मैं पहले बोला क्या, आप देखो सुषुप्ति का अनुभव और प्राज्ञ तुरियो का अनुभव दिखा रहे हैं। ये पुस्तक में नहीं है, ये आपको मतलब अर्थ से अर्थ आता है, ये पुस्तक में लिखा है ना टीकाकार ने भाष्यकार, मतलब अभिप्रेत तो क्या है यहाँ पे, दोनों का अनुभव दिखाया क्यों, भाष्यकार के प्रति क्या है, पहले क्या बोला, जागृत में बैठ करके आप सुषुप्ति का अनुभव करो। तो जागृत में बैठ करके सुषुप्ति में तब जब आप पूरा उपाधि के विषय रूप में देखेंगे उसका, तब तक आपका सुषुप्ति है। जैसे ही उपाधि हट जाएगा मतलब वो आकार ब्रह्माकार वृत्ति मिट जाएगी, बस शुद्ध ब्रह्म। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि तुरीय बा मतलब कथम हो जाएगा यहाँ पे, तुरीय बा कथम तत्व अग्रण अन्यथा गण लक्षण बंधो न सिद्धत, दोनों बंधो इसमें सिद्ध नहीं होता। जो ये कैसे आप कह रहे हैं, ये दो शंका के निराकरण करेंगे टीकाकार, ठीक है। यहाँ पे टीकाकार बोल रहे हैं वो जो बा शब्द ना यहाँ पे पुनर्कारणबद्ध प्राज्ञस्य तुरीय बा, ये बा का क्या अभिप्रेत है, तो वहाँ पे बोल रहे हैं देखिए बा शब्दात कथम इति अस्य अनुवृत्ति सूच्यते, बा शब्द से क्या होता है, बा शब्दात, बा शब्द से कैसे कैसे सिद्ध होगा, कथम इति अस्य, कथम मुझे कहाँ पे आया पूर्व शुरू में, कथम पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य तुरीय बा, तुरीय मतलब मतलब तुरीय बा कथम अग्रहण अन्यथा गण सिद्ध, तो कैसे सिद्ध हो सकता है, ठीक है ना, ये उठाया प्रश्न यहाँ पे, बा शब्दात कथम इति अस्य अनुवृत्ति सूच्यते, ये बा शब्द आया सीखने में, इसके तरह क्या था कथम का अनुवृत्ति आ रहा है यहाँ, बा शब्द सूच्यते। अच्छा फिर आगे बोलते हैं प्रथम चौद्य उत्तर तेन पाद त्रयम व्याचष्टे, पहला शंका क्या था, हाँ प्राज्ञ में कारणबद्धन तो कैसे, इस शंका का निराकरण करने के लिए श्लोक का तीन पाद है, तीन तीन पद कहाँ तक आएगा, प्राज्ञ किंचन न संवेद, यहाँ तक ना, न आत्मान न परम शैव न सत्यम न चमृतम प्राज्ञ किंचन संवेद, कुछ भी नहीं है ना, यहाँ तक तीन पद है, इसका उत्तर किसका, प्रथम शंका के उत्तर के रूप, ठीक है। या अब भाष्य में जस्मात् आत्म विलक्षणम अविद्या बीज प्रसूतम बाह्यम द्वैतम प्राज्ञ न किंचन संवेत्ति यथा विश्व तेजसो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यस्मात् क्योंकि आत्म विलक्षणम है ना, अपने स्वरूप से एक हो गया आत्मा, एक हो गया अनात्मा, अनात्मा का पूरा लक्षण आत्मा, आत्मा से विलक्षण है, विपरीत लक्षण वाला है, इसलिए ये विरुद्ध लक्षण वाला जो है आत्मा से, आत्मा से विरुद्ध लक्षण वाला, और कैसे मानता है वो अविद्या बीज प्रसूतम, ठीक है ना, अज्ञान जो बीज मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अज्ञान बीज मतलब इससे सिद्ध होता है कि प्राज्ञ में अज्ञान है, प्राज्ञ में अज्ञान सिद्ध होता है कि उसी से उत्पन्न होता है, अग्रहण होता है वहाँ पे, अविद्या बीज प्रसूतम, अविद्या बीज से वहाँ पहले क्या आया था, न आत्मानम न परांशैव, ठीक है ना, तो आत्मा को क्यों नहीं जान पाता, क्योंकि वो जिसको जानते हो आत्मा से विलक्षण है, आत्मा एकमात्र जानने वाला है और सभी जानने योग्य वस्तु है, इसलिए जानने वाला तो जानने योग्य वस्तु नहीं बन सकता, इसलिए अपने को नहीं जान पाया, और परांशैव परांशैव इसलिए नहीं जान पाता क्योंकि वो उस समय उसका कोई भी इंद्रिय काम नहीं करता, इसलिए बोलते हैं अविद्या बीज प्रसूतम बाह्य, मतलब वो जो ऊपर आया ना बाह्यम के न आत्मानम न परांशैव, ये परां शब्द का अर्थ करते बाह्यम दैतम, ठीक है ना, उसमें बाह्य द्वैत में क्या क्या आ जाएगा, सत्यम च अनित्यम च, मतलब क्या सच है क्या झूठ है क्या बाहर है क्या, कुछ भी नहीं जान पाता, बाह्यम दैतम प्राज्ञ न किंचन संवेत्ति, प्राज्ञ जो कुछ भी नहीं जान पाता, कुछ भी नहीं जानता, व्यतिरिक दृष्टांत दे रहे हैं, व्यतिरिक दृष्टांत क्या दे रहे हैं, यथा विश्व तेजसो, जैसे जागृत और स्वप्न में हम बाहरी वस्तु को जानते हैं, यथा विश्व तेजसो परान आत्मानम से बिजानाति तथा प्राज्ञ न जानाति, जिस प्रकार क्या होता है कि विश्व और तेजस मतलब व्यष्टि उपहित चेतन स्थूल उपहित चेतन और व्यष्टि सूक्ष्म उपहित चेतन, ये दोनों चेतन जैसे बाहरी वस्तु को जानता है ऐसा प्राज्ञ नहीं जान पाता, ना अपने को जान पाता है ना बाहरी वस्तु को जानता है, जाता विश्व तेजसो, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन में टीका में आ जाएगी,
यह विलक्षणम अनात्मानम इति जावत। विलक्षण कहाँ पे आया? जस्मात् आत्म विलक्षणम, ठीक है। भाष्य में देखिए विलक्षण मतलब अनात्मान मित्र जावत, मतलब अनात्मा को अपने से भिन्न को। तीन नंबर टिप्पणी देखिए, तीन नंबर टिप्पणी में क्या बोलते हैं? आत्मानम इति एतद् आत्मा इति व्याख्या है। न आत्मानम मूल में क्या है? न आत्मानम, ठीक है ना, उसका व्याख्या करते हैं अपने को, अपना आत्मा, ठीक है ना। आत्मानम इति एतद् आत्मा इति व्याख्याय, टिप्पणी को समझने के लिए आपको भाष्य टीका दोनों को देखना पड़ेगा। मूल में आया हुआ है आत्मानम, तो उसका अर्थ करते आत्मा, ठीक है। और फिर विलक्षणम बोल रहे हैं वहाँ पे, परान इति व्याख्या तुम, अब उसके आगे क्या है? न परान से उसको व्याख्या करने के लिए कहते हैं विलक्षणम इति उक्तम। आत्म विलक्षणम, ये छोटा मतलब बहुत ध्यान रख के सूक्ष्म है, वहाँ पे दो पद भगवान भाष्य का प्रयोग किया, आत्म विलक्षणम। तो टिप्पणीकार बोलते हैं वहां पे आत्म शब्द के द्वारा मूल में कालिका में जो आया है आत्मानम उसको ग्रहण हो, और विलक्षण शब्द के द्वारा क्या हुआ उससे परां, हाँ, इसलिए यहाँ पे ऐसे शब्द प्रयोग किया। इसलिए आत्मानम इति एतद् आत्मा इति व्याख्या, आत्मानम शब्द को यहाँ पे ये आत्मा है इसका व्याख्या करके परान इति व्याख्या तुम, परान इसको व्याख्या करने के लिए विलक्षणम इति उक्तम, है ना। इस विलक्षण इति सूचयितु व्याख्या, इसको सूचित करने के लिए टीकाकार जो है वहाँ पे बोलता है विलक्षणम अनात्मानम। विलक्षण मतलब होगा आत्मा से भिन्न, अनात्मानम इति, ठीक है। टिप्पणी को समझने के लिए आपको टीका भाष्य, भाष्य टीका दोनों के पथ को जो है देख करके तब तो उसका अर्थ लगाना पड़ेगा ठीक से। तो क्या हो गया आपको यहाँ पे, क्या बोलते हैं तीन नंबर टिप्पणी, विलक्षणम अनात्मानम। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि आत्मा शब्द के द्वारा मूल में कालिका में जो अपने को कहा था ना आत्मानम, उसका अर्थ हो गया विलक्षणम, मतलब परान शैव सत्तन सबका ग्रहण हो जाएगा इसका। ये हो गया तीन नंबर टिप्पणी। अच्छा, अब आगे फिर टीका में देखिए, टीका कैसे होते हैं वहाँ पे आया हुआ ना ये जो ना सत्यम नापिच अमृतम, मूल में है, मूल में क्या है? ना सत्यम नापिच अमृतम। तो वहाँ पे जो अमृतम पद आया हुआ है, अमृतम इति अस्य व्याख्यानम अविद्या बीज प्रसूतम, कहाँ मिला आपको अविद्या बीज? भाष्य में देखिए आत्म विलक्षणम, आत्मा शब्द हो गया न आत्मानम, और विलक्ष परान का अर्थ हो गया विलक्षणम, ठीक है। अब तृतीय क्या हो गया आपका? सत्यम को नहीं बोला अभी, अब अमृतम का अर्थ क्या कर दिया कि अविद्या बीज प्रसूतम, ठीक है ना। तो अमृतम शब्द कहते अस्त व्याख्यानम अविद्या बीज प्रसूतम इति, ठीक है। और फिर यहाँ पे बाह्यम द्वैतम पद आया भाष्य में, बाह्यम तो उसका अर्थ क्या कर दिया? द्वैतम मतलब भेद को, द्वैतम द्वितीयम असत्यम इति, द्वैतम मतलब क्या होता है? भेद, द्वैतम मतलब क्या? जो भेद भिन्न सेकेंड उस मत पद के द्वारा जिसको कहा जाता है उसको, जो असत्यम है जो पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। सत्यम का क्या किया था? सत्यम का अभी नहीं बोला, अभी नहीं बोला। सत्यम मतलब यथार्थ था, वो यथार्थ तो समझता ही नहीं है, जब झूठ कोई नहीं समझते यथार्थ क्या समझेगा, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है उस समय। चार नंबर टिप्पणी बोल रहे हैं कि असत्यमिति व्यवहारिक सत्यमिति जावत सत्यमिति एवा पाठ, अथवा वहाँ पे जो बोलना ना कि द्वैतम द्वितीयम असत्यम ऐसा किया, टिप्पणी का क्या बोलते हैं? असत्य मतलब व्यवहारिक सत्यत्व पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है, अथवा उसको ही जो ऊपर जो सत्य पद बोला गया न सत्यम असत्यम, न सत्यम असत्यम, ठीक है ना। इसीलिए हमने आप आगे सत्य शब्द का तो ऊपर आपका चार पद आत्मा परान और अनितम और न सत्यम, सब पे सत्य लगा हुआ है, यहाँ पे न सत्यम के एक साथ अर्थ कर दिया असत्यम, इसलिए यहाँ पे बोलता है द्वैतम द्वितीयम असत्यम इति अर्थ। चार नंबर टिप्पणी से असत्यम करके व्यवहार करते हैं, न सत्यम को समझ बना दिया, व्यवहारिक असत्यम इति यावत सत्यम इति एव पाठ, उस सत्य को भी नहीं जानता और आपका असत्यम वैसे असत्यम और अनित दोनों एक ही चीज हो जाएगी अगर समास कर देंगे ना सत्य। इसी आप तो इसीलिए तो अनित को अलग रखा सत्य को अलग रखा, वहाँ पे तो नहीं है। आप यहाँ पे जब अनित को अलग कर दिया, आपको बोला सत्य का अर्थ क्या रख दिया, तब हम बोला सत्य का मतलब क्या हो जाएगा? ना सत्य उसको भी नहीं जानता, सत्य को भी नहीं जानता, असत्य को भी नहीं जानता। इतिबा पाठ ऐसा वैकल्पिक पाठ होगा, बा बोल रहे हैं यहाँ पे ना, मतलब असत्य को वहाँ पे असत्य को सत्य ही पढ़ना है, तब तभी हो सकते हैं। आप यहाँ पे बोलते हैं वैधर्म उदाहरणम, मतलब व्यतिरिक्त दृष्टान्त,
वही धर्म धर्म मतलब होता है व्यतिरिक्त दृष्टांत, एक होता है अन्वय दृष्टांत, एक होता है व्यतिरिक्त दृष्टांत। ये बालक अच्छा है, ठीक है ना, और ये बालक अच्छा है, ये बालक वो जैसे नहीं है, ये व्यतिरिक्त, वो जैसे नहीं है, ये व्यतिरिक्त बोलते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे कि यथा विश्व तेजस, जैसा विश्व और तेजस में क्या होता है, वो बाहरी वस्तु को जानता है, ऐसा प्राग नहीं जानता, ये व्यतिरिक्त दृष्टांत हो गया। इसलिए मैं बोलते हैं वैधर्म आह यथा विश्व तेजस, व्यतिरिक्त दृष्टांत दे रहे हैं हम लोग, बोलते हैं ना अनलाइक अनलाइक लाइक एंड अनलाइक, इस प्रकार ये अर्थ हो जाएगा यहाँ पे कि यथा विश्व तेजस अनलाइक विश्व तेजस, जैसे विश्व तेजस में अग्रहण भी अन्यथा ग्रहण भी है, ऐसा प्राज्ञ में नहीं है, प्राज्ञ में केवल मात्र आपका अग्रहण है। वैधर्म दृष्टांत यथा, फिर आगे टीका में प्राज्ञस्य विभाग विज्ञान अभावे फलम आह, प्राज्ञ कुछ भी विभाजन करके नहीं जान पाता, ये जो कथन किया इससे रिजल्ट क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, प्राज्ञस्य विभाग विज्ञान अभाव, प्राज्ञ का कोई भेद ज्ञान नहीं रहता, केवल एक ही रहता है मैं कुछ नहीं जाना, इसके फलम आज का रिजल्ट क्या हो गया, ततश्च, अब भाष्य में आ जाइए लास्ट में, ततश्च असो तत्व अग्रहणेन तमसा अन्यथा ग्रहण बीज भूतेन बद्धो भवति, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ततश्च मतलब उसका फल स्वरूप, ततश्च असो, असो कौन, प्राज्ञ तत्व अग्रहणेन, तृतीय एक वचन तत्व अग्रहणेन तमसा अन्यथा ग्रहण बीज भूतेन, तीनों तृतीय एक वचन है, अन्य करिए उसका, तत्व का ग्रहण नहीं हो रहा, यही हो गया अंधकार आवरण, अज्ञान के आवरण, और देखिए एक हो गया आपका ये माया का जो कार्य होता है वो अलग नहीं है, कोई एक आवृत करके उसको विक्षेप उत्पन्न करते हैं, आवृत करके विक्षेप उत्पन्न करते हैं, पहले आवरण किया, आवरण हो गया आपका बीज भाव, और अन्यथा ग्रहण हो गया विक्षेप, विक्षेप अन्यथा ग्रहण का विक्षेप, इसी यहाँ पे बोलते हैं कि ततश्च अशु तत्व अग्रहण, तत्व का ग्रहण नहीं होने के फलस्वरूप तमस अज्ञान के द्वारा अन्यथा ग्रहण बीज भूते ना बद्ध, उस अन्यथा ग्रहण का जो बीज है उसके द्वारा बंधा हुआ है, बद्ध भवति, ठीक है, ये हो गया प्राज्ञ विषय। दो नंबर टिप्पणी में देखिए इति तथा इति उक्त विभाग ज्ञान अभावादिति अर्थ, तथा मतलब क्या हो जाएगा, इस प्रकार विभाग ज्ञान नहीं है, क्या नहीं है, अपने को नहीं जाना, दूसरे को नहीं जाना, सत्य को नहीं जाना, झूठा कुछ भी नहीं जाना, ये विभाग ज्ञान नहीं है, इसके फलस्वरूप क्या आ गया, उसमें केवल बीज मात्र अज्ञान अग्रहण मात्र है, इसी के द्वारा बंधा हुआ है, अज्ञान मात्र है, इसी के द्वारा बंधा हुआ है। अच्छा ये पढ़ना पूरा हो गया, ठीक है, पेज 56 पूरा हो गया, अब 57 में आ जाइए, टीका का लिख रहे हैं। अब पहला शंका था क्या, कारणबद्धता प्राज्ञ में कैसे है, दूसरा शंका क्या था, तुरियों में अग्रहण अन्नग्रहण दोनों कैसे कैसे सिद्ध नहीं होगा, ठीक है ना, इसका उत्तर देते हैं। द्वितीय चौद्य चतुर्थ पिछली लाइन नहीं हुई है, कौन सा, यथोक्ते तमसि, अच्छा यथोक्ते तमसि कार्यलिंगकम अनुमानम सूचयति, है ना, यथोक्ते अज्ञान जो है ना, ये अज्ञान यथोक्ते तमसि, ये अन्यथा ग्रहण कहाँ पे आएगा आपका, ये अन्यथा ग्रहण इधर आ रहा है, तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण, ठीक है ना, तो वहां पे बोलते हैं जतेश्री में यहाँ पे जथकते तमस, इस प्रकार आवरण रहने के फलस्वरूप, अब क्या है ये, मैं इसी बात बोला नहीं, इसका अर्थ तो नहीं पर तो समझा दिया, ये आवरण के फलस्वरूप क्या होता है, विक्षेप होता है, तो विक्षेप को देख कर क्या अनुमान कर सकते हैं क्या, ये अज्ञान है, ये विक्षेप को देख करके हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे आवरण है, विक्षेप दिखाई, आवरण नहीं दिखाई पड़ता, अज्ञान नहीं दिखाई पड़ता, अज्ञान का कार्य दिखाई पड़ता है, तो कार्य लिंग का अनुमान, कार्य देख करके, कार्य रूपी चिन्ह को देख करके, मतलब अन्यथा ग्रहण हो रहा है ये देख करके हम वहाँ पे अग्रण ही समझ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि यथक्ते तमसि, इस प्रकार की अज्ञान रूपी आवरण में कार्य लिंग का अनुमान, कार्यो के देख करके मतलब अन्यथा ग्रहण रूपी चिन्ह को देख करके अनुमान करते हैं, अनुमान सूचयति अन्यथा ग्रहण बीज भूतेन, इसलिए यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने क्या कहा, अन्यथा ग्रहण की जो बीज रूप है कौन, अग्रहण जो हो गया अन्यथा ग्रहण का बीज रूप है, अग्रहण क्या है, अन्यथा ग्रहण का बीज रूप है, ये अन्यथा ग्रहण हो रहा है देख करके हम अग्रहण है ये समझ जाते हैं, कार्य लिंग का अनुमान, ठीक है ना, ये अभिप्राय है। द्वितीय चौद्यम चतुर्थ पांच नंबर टिप्पणी, कौन सा, पांच नंबर टिप्पणी, अच्छा अनुमानम अन्यथा ग्रहणम आत्म अतिरिक्त भाव उपादानकम,
भाव कार्यत्व घटाधिपत इति एवं विधम अनुमान। ये जो अन्नथा ग्रहण जो है ना वो एक भाव पदार्थ है। अन्नथा ग्रहण को देख करके, अन्नथा ग्रहण को देख करके आप अपग्रहण का अनुमान कर रहे हैं। धुआं को देख करके आप बनने का अनुमान करते हैं, ठीक है ना। धुआं को देख करके बनने का, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे अन्नथा ग्रहणम आत्म अतिरिक्त भाव उपादान कमी साध्य है। अन्नथा ग्रहण के ऊपर हो गया पक्ष, अन्नथा ग्रहण को पक्ष बनाए। आत्मा से भिन्न कोई एक भाव पदार्थ के कारण ये होता है, ये साध्य है। केवल इतना पक्ष क्या है, अन्नथा ग्रहण। अच्छा, अन्नथा साध्य क्या है, आत्मा से भिन्न कोई एक भाव पदार्थ के निमित्त से ये अन्नथा ग्रहण होता है, ठीक है। भाव कार्यत्व, क्योंकि ये भावात्मक कार्य दिखाई पड़ता, भावात्मक कार्य नहीं है ये, तो दिया भाव कार्यत्व। अन्नथा ग्रहण भावात्मक कार्य है, दिखाई पड़ता हमको, इसलिए बोलते हैं घटाधिपत। घटाधि के समय है वहाँ पे आपको क्या है, यदि सूक्ष्म दृष्टि होगा तो सच्चिदानंद विद्यमान है, और थोड़ा स्थूल है तो मृत्यु है, हम क्या बोलते हैं घटपट। इसलिए बोलते हैं घटाधि में जैसा आप क्या हो गया, पहला पक्ष को देखिए, अन्नथा ग्रहण को पक्ष बनाया, तो पक्ष को सिद्ध करने आपको क्या सिद्ध करना चाहता है, कोई ना कोई ऐसा चीज है जिसके कारण से ऐसा अन्नथा ग्रहण हो रहा है। मैं कई बार बोला कि अविद्या मतलब क्या बोलेंगे, विद्या के अभाव। मैं बोला तो अविद्या के और नौयों का छह अर्थ होता है, नौयों का छह अर्थ होता है, तत्सादृश्यम तदभावश्च तदन्नत्तम तदल्पता अप्राशस्तम विरोधश्च नौयों षट प्रकृति बोल लिखा था, ये ध्यान रखना इस चीज को, तत्सादृश्यम तदभावश्च तदन्नत्तम तदल्पता फिर अप्राशस्तम विरोधश्च नौयों षट प्रकृति। नौयों का छह अर्थ होता है, नेगेटिव का छह अर्थ होता है, सादृश्यता अब्राह्मणम आनय, अब्राह्मणम आनय मतलब ब्राह्मण से भिन्न किसी व्यक्ति का सादृश्य कोई वस्तु को लाओ, ठीक है। तत्सादृश्यम तद अभावश्च अद्वैत, अद्वैत में क्या है, द्वैत की अभाव, द्वैत का अभाव हो गया अद्वैत। तद अन्नत्वम तद अभावश्च फिर तद अन्नत्वम अनिक्षु, अनिक्षु ये इक्षु नहीं है, गन्ने का पेड़ देख करके कोई बोलते गन्ना है, ना ना ये इक्षु नहीं है, ये दूसरा है अनिक्षु, इक्षु से भिन्न। तद अन्नत्वम तद अल्पता अनुदरी कन्या, हाँ जिस कन्या की थोड़ा सा कोमल पतला है उसको बोलते हैं अल्पता है, अनुदरी कन्या। फिर आपका अप्राशस्त मतलब अकाल, योग्य काल नहीं है, हम बोलते अकाल परा हुआ, मतलब ये धर्म अथवा धर्म के लिए योग्य काल नहीं है, अकाल। और क्या हो गया, विरोधश्च, हाँ शूर अशूर देवता के विरोधी है, अशूर धर्म अधर्म धर्म के विरोधी है। इसी प्रकार विद्या और अविद्या, ध्यान रखना वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार बड़ी बड़ी समस्या है यहाँ पे, अविद्या विद्या विरोधी एक भाव वस्तु है, विद्या विरोधी एक भाव वस्तु है, परंतु वो अनादि होते हुए और वो अनंत भी है, अशांत भी है, अनादि शांत है। ये अनादि होने का लाभ क्या है, अनंत का लाभ क्या है, एक बार आपका अज्ञान नाश हो गया, शंका करेगा महाराज दोबारा अज्ञान आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तब तुम्हारे जो अनादि तुमने बोला वो अनादि सिद्ध नहीं होगा अविद्या। यदि अविद्या दोबारा उत्पत्ति हो जाए नाश होने के बाद, तब क्या हो जाएगा, तो अशादी हो गया आपके सामने होने लग गया, तो दोबारा उत्पन्न होने वाला वस्तु नहीं है, जो अनादिकाल से चलता आ रहा है। मान लो कोई बात, अनादि शांत है अविद्या, विद्या विरोधी अनादि शांत भाव वस्तु, विद्या विरोधी अनादि शांत भाव वस्तु हम मानते हैं, क्योंकि उसका नाश कैसे होगा, तो बोलते अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, अविद्या नामक कोई वस्तु ही नहीं है, अभी आगे आएगा, केवल मात्र अविद्या नामक अलग कोई तो वस्तु नहीं है, ब्रह्म की अज्ञानी अविद्या है। मैं क्या बोला, बंधन का हेतु हो, हमारे यहाँ पे एक ही वस्तु है ब्रह्म, वही बंधन का हेतु है, वही मुक्ति का हेतु है, ठीक है, ये सिद्धांत तो पक्का रखो। तब जब वो बंधन का हेतु आता, उसका अज्ञानी बंधन का हेतु है, किसका, अधिष्ठान की अज्ञान बंधन का हेतु है, तो अधिष्ठान की अज्ञान को हम माया बोलते हैं, उसके लिए माया शब्द प्रयोग होता है। अब बताइए कि विद्या विरुद्ध भाव वस्तु क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसके कारण क्या, तो अन्नथा ग्रहण हो रहा है, अन्नथा ग्रहण हो रहा है, हमें अनुभव में आ रहा है कि मैं अपने को नहीं जानता हूँ, इसलिए भाव वस्तु बोला जा रहा है। कोई भाव वस्तु मतलब ब्रह्म से अलग करके कोई भाव वस्तु नहीं है, ब्रह्म ही भाव है, इसलिए ब्रह्म का अभाव भी भावात्मक है, भावात्मक तो है।
अभाव, इसलिए अभाव बोलते हैं ज्ञान का अभाव, ब्रह्म का अभाव नहीं बोल रहे हैं, तत्संबंधित ज्ञान की अभाव, तत्संबंधित ज्ञान की अभाव कहते हैं हमारे बंधन के लिए हेतु बना। इसलिए यहाँ पे क्या है, विद्या विरोधी भाव वस्तु अनादि शांत अविद्या, विद्या विरोधी भाव वस्तु अनादि शांत है। अब यहाँ पे आ जाइए, अन्यथा ग्रहण, ये अन्यथा ग्रहण हो रहा है वो क्या होता है, आत्म अतिरिक्त भाव उपादानकम, ये शब्द है, आत्मा तो भाव वस्तु है, ये तो किस विषय में शंका नहीं है, आत्मा से भिन्न कोई एक भाव उपादान वाला है कौन, ये अन्यथा ग्रहण, अन्यथा ग्रहण आत्मा से भिन्न कोई एक भाव उपादान वाला है, भाव मतलब आत्मा से भिन्न मतलब अलग वस्तु नहीं है, आत्म संबंधित अज्ञान उसका अन्यथा ग्रहण के हेतु होता है। अनुमान क्या है, कार्य लिंग का अनुमान, अन्यथा ग्रहणम आत्म अतिरिक्त भाव उपादान, इस शब्द है अन्यथा ग्रहण पक्ष है, आत्म अतिरिक्त भाव, आत्मा से भिन्न कोई भावात्मक पदार्थ उसका उपादान कारण है, क्यों, भाव कार्य तो भावात्मक कार्य दिखाई पड़ता है, घटवत घट घट एक भावात्मक कार्य है, और वो क्या है, आत्म अतिरिक्त भाव उपादान वाला भी वृत्ति को उपादान वाला है वो, ठीक है ना, तो आपका दृष्टांत में आपका हेतु अशब्द बैठ जाएगा, अन्यथा ग्रहण आपको क्या होता है, भाव कार्य है, तब वहाँ पे आत्मा से अतिरिक्त एक भाव पदार्थ हो गया आपका अग्रहण, पूरा पूरा आपको फिर अनुमान से दोबारा देखिए, अनुमान में पक्ष है अन्यथा ग्रहण, साध्य क्या है, आत्म अतिरिक्त भाव उपादान कम हो गया साध्य, हेतु क्या दिया, भाव कार्यत्व घटादिवत, ठीक है, आप घटादि दृष्टांत में आपको हेतु और साध्य बैठना चाहिए, हेतु क्या है, भाव घटादि भाव वस्तु दिखाई पड़ते, ठीक है, और वो आत्मा से भिन्न उपादान कारण वाला है मृत्यु का, उसको उपादान कारण आत्मा से भिन्न, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये घट कार्य में आपने जब कहा दृष्टांत में आपका हेतु और साध्य बैठ गया, अब आप अन्यथा ग्रहण कम पे आ जाओ, वहाँ भी वो भी भाव कार्य दिखाई पड़ते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आत्मा से भिन्न कोई एक भाव वस्तु के द्वारा उपादान वाला है वो क्या हो जाएगा कि अग्रहण, इसलिए अग्रहण अज्ञान एक भाव वस्तु है, अज्ञान एक भाव वस्तु है, ये कार्य लिंग का अनुमान हम यहाँ पे बोलते हैं, ये समय थैंक यू, मैं स्किप इस अनुमान को मतलब इस टिप्पणी इस वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो है हम स्किप कर जा रहे थे, हाँ इसको यहाँ पे जाता हूँ मैं तो देख रहा था, मैं यहाँ टेंशन ही नहीं, छोटा छोटा संख्याएँ छूट जाते हैं, यथक्ते तमसी कार्य लिंग का अनुमान, कार्य लिंग का अनुमान यहाँ पे टिप्पणी कर दिया, इस अनुमान में पक्ष है अन्यथा ग्रहण, ठीक है ना, आत्मा अतिरिक्त भाव उपादान, आत्मा से भिन्न कोई भाव उपादान कारण वाला है, भाव कार्यत्वात् घटादिवत् इति एवं विधम अनुमान, इस प्रकार के अनुमान से अन्यथा ग्रहण भावात्मक सिद्ध हो गया ना, निश्चित वो तो हमको दिखाई पड़ता है, अन्यथा ग्रहण हो रहती है आपको दिखा, सारा जगत सच्चिदानंद व्याप्त है, हमको घाट पट मठ हिमालय नदी सर्वानंद गोपानंद रूप में ज्ञान, शुद्ध रूप में ज्ञान हो रहा है, नहीं जानना, नहीं जानना, ग्रहण नहीं हो रहा है आपको, वहाँ पे रज्जु पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको ग्रहण नहीं हुआ कि रज्जु आपको समझ में नहीं आया, अन्यथा ग्रहण क्या होगा, आपने उसको सर्प समझ लिया, गलत जानना, understanding of the fact is the cause of all misunderstanding, not understanding of the fact is the cause of all misunderstanding, not understanding of the fact agrahan is the cause of all misunderstanding, is agrahan anatha grantal hetu hai, ye vyavaharik jagat mein pura lagta karta hai, rajju wahan pe hai uska kya yogi agrahan nahi jana, ab yahan pe ghatai drishtant mein drishtant to main asang purna vyapak nahi jana, अन्यथा ग्रहण क्या हुआ, मैं स्वामी सर्वानंद मैं जी, ये अन्यथा ग्रहण एंड उसी से व्यवहार होता है, सारा व्यवहार होता है भगवात्मा के इस्तेमाल, इसलिए कोई एक इसका भाव उपादान होना चाहिए, भाव उपादान क्या है कि मैं अपने को नहीं जाना, इसलिए बोला भाव उपादान, क्यों अग्रहण भी भावात्मक हो जाएगा, तभी तो बोल रहे हैं अग्रहण को तो भावात्मक सिद्ध करने की, अन्यथा ग्रहण भावात्मक देख करके, अन्यथा ग्रहण को भावात्मक देख करके भावात्मक हो जाए, क्योंकि उसका बीज है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ अविद्या मतलब क्या है, विद्या विरोधी भाव वस्तु, अविद्या मतलब क्या है, विद्या विरोधी भाव वस्तु अनादि शांत, अविद्या क्या है, विद्या के अभाव कभी नहीं बोलना, अनादि शांत इसका, अनादि मतलब कब से शुरू है आपको पता नहीं है, शांत मतलब ज्ञान होने पर नाश हो जाता है, ज्ञान होने पर नाश हो जाए, आज यहीं पे रखते हैं, आज यहीं पे रखते हैं, फिर चलते हैं कल देखते हैं।
दूसरा वाला समुद्रे कारुण्यादुद्धारामृत मम दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पूज्या विपूज्यं परमं गुरुं पादपादये नमस्ते।